शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अरे हाँ आरती, तब तक हम तुम्हारे पग फेरे की रस्म कर लेते हैं। चलो 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 चलो, अरे चलो चलो चलो, आप लोग भी चलिए। चलिए इस श्रद्धा की तरह ना, ये आरती भी अपने आप से फैसले लेने लग गई है। अब दो थप्पड़ पड़ेंगे ना, अभी सब समझ में आ जाएगा। रुको, अगर लड़की को मार के ही अपने बस में करना होता तो मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ती बेवकूफ। छोड़ो तो मुझे ही कुछ सोचने रहा। देखना, उनका ही पासा ऐसा उल्टा करके उन पर ही फेंकूंगी। पग फेरे की रस्म है ना, हमारे बिना कहां पूरी होगी। दुल्हन को लेकर जाना है भाई, कोई मजाक है क्या। बप्पा, आज इस घर की बेटी को नहीं पता कि वो कितनी मुसीबत में है। उसे हमें अगले 7 दिन में इस मुश्किल से निकालना होगा। हमें सही रास्ता दिखाइएगा भगवान। हे भगवान, हमारी गलतियों की सजा हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर मत आने दीजिएगा। जिस तरह हमें सही रास्ता दिखाया है, वैसे ही आरती को भी दिखाइए बप्पा। देखिए, पग फेरे की रस्म तब पूरी होगी जब हम अपनी दुल्हन को हमारे साथ ले जाएंगे। लेकिन हम आप सबको भी हमारे साथ ले जाने आए। क्यों, हम क्यों चले तुम्हारे साथ? अरे वही तो सरप्राइज है। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। क्या है ये सब? प्लीज अभय, आरती के लिए ही सही, चलो ना हमारे साथ। और आप सब भी चलिए ना। भाभी, ये पिशाचिनी कहीं हम सबको पिशाच तो नहीं बना देगी? हमारा मतलब है कि सामूहिक हत्या। जिस तरह ये प्यार से बात कर रही है, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे ऋतु, डर तो हमें भी लग रहा है। पता नहीं इसके मुंह में क्या चल रहा है। जरूर कोई खराब ही चल रहा होगा। हाँ चले, आप दोनों आरती को ले जाइए, हम पीछे से आते हैं। ठीक है, जल्दी आना। चले आरती। आइए बैठिए ना। ये शहर के सबसे विद्वान पंडित हैं। हमारी आरती और कुणाल पे जो दोष है ना, उसे मिटाने आए। तो पंडित जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुणाल पर ना दोष है, सब कुछ बुरा हो रहा है और शादी को ना सिर्फ एक ही दिन हुआ है। हाँ हाँ बेटा, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। इस हवन से ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए दोष मुक्त हो जाएंगे, फिर शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। आइए आप सब लोग स्थान ग्रहण करिए, बैठ जाइए।
बेटा जिस तरह से मैं हवन कुंड में आहुति डालूंगा आप भी डालिएगा। इनके नाटक खत्म ही नहीं हो रहे, ना कभी होंगे। बहुत दिमाग दौड़ा रहे ना, इसी अग्नि कुंड में जला के मार दूंगा दोनों को। हाँ भाई, आरती की रक्षा करने का वचन तो मैंने भी लिया है, मैं तेरे साथ हूँ। आज इस कुणाल की कहानी खत्म कर देते। नहीं अभय, क्या कर रहे हैं? कुणाल को मारकर आरती को और दूर कर देंगे हमेशा के लिए हमसे। वरुण जी, दीदू सही कह रही है, इसकी असलियत हमें आरती के सामने लानी ही होगी, क्योंकि आरती तो इस कुणाल के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है। अब तो हमारे पास बहनों का भंडारा भी खत्म होने को आया है। इन लोगों को रोकने के लिए सोचिए क्या करना है। अरे इस रागिनी ने तो हमारा पैतरा हम ही पे पलट दिया। यजमान, पूजा संपन्न हुई। कुणाल आरती, पहले पंडित जी का आशीर्वाद लो। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी। आयुष्मान बेटा, अब आप दोनों चिंता मुक्त होकर बिना घबराए अपने इस नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। तुम दोनों जाओ ना, आराम कर लो थोड़ा। कुणाल आपको दी बुलाता है ना, आज से मैं भी आपको रागिनी दी बुलाऊंगी। थैंक यू रागिनी दी। आरती, अब तुम ही तो मेरी फैमिली हो ना, तो ये सब थैंक यू बैंक ही छोड़, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। इनका दोष तो मैंने चुटकियों में मिटा दिया, अब तुम्हारी बारी है चाल चलने की। बारी, चाल, ये सब इरादे तो तुम्हारे होते हैं ना रागिनी। हम तो बस अपनी आरती को तुम जैसे खटिया लोग से बचाना चाहते हैं। हाँ तो बचाओ ना, किसने रोका है? हनीमून पर जाने से तुम लोगों ने रोक लिया, पर अब उन दोनों को पास आने से कैसे रोकोगे? नहीं रोक पाओगे ना, तो जाओ घर साफ करो, कुछ काम करो। दीदू, हम चाहे लाख कोशिश कर ले, हर बार ये सोचते कि इस बार तो इसकी हार पक्की, पर पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता, हमारी हर बाजी को ना ही उल्टा कर देती है। पता नहीं हम अपने आरती को कैसे बचाएंगे, कैसे समझाएंगे उसे। हमें कुछ भी करके आरती को कुणाल का ये असली चेहरा दिखाना होगा। पर कैसे करेंगी ये? कुणाल, रागिनी दी ने सब कुछ ठीक तो कर दिया, फिर तुम अब क्यों परेशान हो? आरती, आई लव यू, तुम्हारे बिना सच में मर जाऊंगा मैं। कुणाल, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो यही तुम्हारे साथ ही हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है आरती, हमारे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे, वो कुछ भी करके तुम्हें मुझसे छीन ही लेंगे। नहीं कुणाल, ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। क्या बोल रही हो आज?
अब तुम आराम करो, मैं जाके रागिनी दी से तुम्हारे परिवार वालों के बारे में बात करता हूँ। अब जब हम सब एक ही परिवार हैं, तो फिर इस दुश्मनी का कोई मतलब नहीं रहा। आरती के प्यार में पागल हो गए हो क्या, जो अकेले अकेले हंस रहे हो? अरे छोड़ो दी, कुएं में ना कूद जाऊं उससे पहले। मैं तो एक बात सोच के हंस रहा हूं। क्या, मुझे भी बताओ। यार देखो, त्रिपाठी खानदान के बेटे और बहू है तो तेज, जैसे अभय, वरुण, कीर्ति और अपनी जानी दुश्मन श्रद्धा। फिर ऐसे चालाक खानदान में ये मूर्ख आरती कहां से पैदा है? पता है दी, वो कह रही कि वो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकती। आपको ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बेवकूफ बेटी अपने खानदान का नाम, इज्जत और पूरा का पूरा घर खुद ही डुबा देगी। सबसे पहले तो इस श्रद्धा को निपटाऊंगा, वो भी इस आरती के हाथ ही। बेवकूफों की फौज की ना लीडर है वो। आरती इस जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती है, कितना दिल टूटेगा उसका इसकी ये असलियत देख के। श्रद्धा कहाँ रह गई? आरती का समय हो गया है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हमें तो लगा दीदू पूजा की तैयारी कर रही होंगी, आरती की ताल सजा रही होंगी। और मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ जा सकती है ये? हमें भी काफी देर से मिली नहीं है वो, पता नहीं कहाँ है, हम ना देख कर आते हैं। दीदू तुम लोग भी देखो, कमरे में, किचन में भी देखो। हाँ। बेटा तू जरा फोन लगाओ। श्रद्धा, फोन भी नहीं मिल रहा उसका। हे भगवान, श्रद्धा तो कहीं नहीं है। वो चुड़ैल और उसका भाई चंडाल कहीं कहीं हमारी श्रद्धा को खा तो नहीं गए? हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमें श्रद्धा के साथ कुछ बुरा ना कर दिया उन लोगों ने। जान से मार दूंगा उन दोनों को अगर श्रद्धा को कुछ भी किया उन्होंने तो। रुको बे, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। आज उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं, और उस कुणाल को तो मैं आज ऐसा मारूंगा कि वो सब सच बोलेगा। चल। Oh, my God.
भगवान, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, कैसे फोन करूँ मैं आपको? मैं मैसेज टाइप कर देती हूँ, जल्दी आइए। अब मैसेज भी नहीं जा रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, माता रानी, क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करने जा रहे थे आप भैया? मेरे पति को मारना चाहते थे आप? मुझे तो कुणाल हमेशा से ही बोल रहा था कि उसे शक है कि आप सब लोग ना सिर्फ सिर्फ नाटक कर रहे हैं। उसे प्यार करने का, उसे अपनाने का, मैं ही पागल थी जो बस उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। आरती मेरी बात सुनो तुम। क्या सुनूं भैया मैं? क्या बचा है सुनने के लिए जब आपने अपना फैसला कर ही लिया है? आज तुझे सुनना पड़ेगा आरती। क्यों भैया? आप बड़े हैं इसलिए ना। और मम्मी आपका प्यार भी सिर्फ इतना ही था ना मेरे लिए। आप सबसे ना मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप सबने मेरा दिल तोड़ा है। आरती, दीदू गायब है, पूरे घर में देख लिया, वो नहीं है ना, उनका फोन लग रहा है। और आप लोगों ने सोचा कि कुणाल ने उन्हें गायब कर दिया है ना? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भाभी तो कितनी बार बिना बताए चले जाती है ना, तो चले गई होंगी कहीं पे फिर से। आरती अब है। आरती, आरती रुको। आरती की बात पर हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हमें श्रद्धा को ढूंढना है। अभय, 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 श्रद्धा, श्रद्धा, अबे देख, देखो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं आसपास होगी, और मोहल्ले में भी सबसे पूछते हैं, कहीं तो मिलेगी। चल। अबे! श्रद्धा, देखना अब आपको है भगवान कि हमारी दीदू ठीक रहे, उनकी रक्षा करिएगा, वो बस हमें जल्दी से मिल जाए।
हिम्मत कैसे हुई तेरी शर्तों को हार लगाने की? कर दिए रागिनी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आज। भैया प्लीज रुक जाइए। आरती नीचे आओ। तुमने मुझे आज मजबूर कर दी है कि मेरे हाथों ही तुम्हारा कत्ल हो। इसके लिए चाहे मुझे जेल भी हो जाए। रुकिए अबे। देखो आरती, दीदू तुम्हें बताएंगे तुम्हारे इस पति और उसकी बहन के बारे में कि उन्होंने दीदू के साथ क्या क्या किया है। रागिनी और कुणाल ने इन्होंने कुछ नहीं किया है। बड़ी सत्यवादी बनती हो ना, और इतनी आसानी से झूठ बोल दिया तुमने। क्यों बोला झूठ? आप सबने देखा ना कैसे आरती का उस कुणाल पर विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरी वहाँ हालत देख कर भी आरती को जरा सा भी कुणाल पर शक नहीं हुआ। पर इस बार हमें कोई बड़ा धमाका करना होगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अकेलापन। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।